तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। मैं नहीं बदला। हेलो भाई लोग, तो आजकल हम चला रहे हैं जोरों शोरों से इंस्टाग्राम। तो भाई इंस्टाग्राम पर मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जिसका कंटेंट है रोना। ये क्या बात करता है यार। हाँ यार, रोना ही इसका कंटेंट है और रो रो कर इसने 1-2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख फॉलोवर्स कर लिए हैं। भाई अपना हर एक वीडियो अपना गंदा सा मुंह बनाएगी और रो देगी। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मर जाऊंगी पर वापस नहीं आऊंगी। अरे दीदी, आपको जान मान देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई धोखा दे तो भाई आपको करना क्या, अपनी मुंह फाड़ कर रोने वाली 10-15 वीडियो उसके व्हाट्सएप पर भेज देनी है। मगर क्यों? हो सकता है कि बंदा आपकी ऐसी स्थिति परिस्थिति देखकर अपनी जान खुद गवा दे। बात तो सही है। मैं बचपन से एक ऐसी लड़की थी जो जल्दी किसी से भी क्लोज नहीं हो पाती थी, मतलब मैं एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाती थी, तो इस वजह से मतलब दोस्त कम। बचपन में फ्रेंड नहीं बना पाई तो भाई तुमने हजारों बॉयफ्रेंड बना लिए जो आपको दे धोखा और दे धोखा दिए ही जा रहे हैं। सोच है रे तेरी, एंड में तो सब चले ही जाते हैं ना, एंड हर्ट कौन होता है? मैं। एक गाय, दो गाय, तीन गाय, मतलब सब चले ही जा रहे हैं, बस तुम अकेली बची हो, मतलब सब चूतिया है बाकी तुम समझदार हो। मेरा दिल तो हर कोई तोड़ देता है, बड़ी लंबी लिस्ट है, अब बोर हो जाओ। दिल ही तोड़ कर जाते हैं मैडम, या फिर कुछ और ही तोड़ कर चले जाते हैं। समझ रहे हो आप? मेरे जितना प्यार उसे कोई नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसकी लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर हूँ। अरे तू आखिरी नंबर में, तो उसमें रोने वाली कौन सी बात है, हम तो हमेशा ही आखिरी नंबर में होते हैं। ये क्या बात करता है यार। वो हर रोज किसी और से छुप छुप के बातें किया करता था। सही में करता था और तुझे पता भी था। एंड सच बताऊं तो ये बात मुझे पता थी, एंड मैंने फिर भी उससे बात की, मैंने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मगर क्यों? क्योंकि मैडम को प्यार हो गया था, वो भी सच्चा वाला। अक्सर वो ही लोग हमारा मजाक बनाते हैं जिनको हम अपने कमजोर टाइम में ना सारी सच्चाई बता देते हैं। कमजोर टाइम में हमें तो लगता है तुम्हारी पूरी जिंदगी में ही कमजोर टाइम चल रहा है यार। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये सही है यार, कोई मतलब दुखी वाली लाइन बोलो और लास्ट में एक सॉन्ग लगा दो, वो भी सैड वाला, और लास्ट में अपनी शक्ल एकदम भद्दी वाली बहुत भयानक बना लो। तो लाइक एक टाइम वो था जब हम दोनों सारी सारी रात बात किया करते थे, एंड जब फोन कट करने की बारी आती थी ना तो वो फोन कट करता था और ना ही मैं। लेकिन अब अगर लड़ाई हो भी जाती है ना हम दोनों की, और गुस्से में अगर मैंने फोन भी काट दिया तो वो पलट कर फोन तक नहीं करता। हो सकता है मैडम आपके आसिक के पास, मतलब आपके बॉयफ्रेंड के पास भाई रिचार्ज कराने के पैसे ही ना हो तो वो आपको मिस कॉल कहाँ से देगा। क्या बात है सर। और भाई यह लड़की इतनी ज्यादा दुखी है कि इसे कोई रिप्लाई ना दे तो इसे रोना आ जाता है। जब जब वो चाहता था मैं रात भर जागी, और जब मेरी बात शुरू हुई तब वो सो गया। रिप्लाई नहीं करा तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हो सकता है आपका बंदा दिन भर तसला मजूरी करते हुए थक गया हो तो सो गया हो। एक तरफ आपकी फैमिली है और एक तरफ आपका प्यार है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसे चुनोगे। ऑब्वियसली मैडम, हम तो फैमिली को ही चुनेंगे। मगर क्यों? क्योंकि प्यार तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, और बहन भाई फैमिली और प्यार में से हमें एक को चुनना है, तो तूने चरस फूंक कर अपनी आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? एक्टिंग है। रात के 2 बज चुके हैं। अच्छा, और अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। ठीक है, उसको मैसेज किया था। ठीक है, और वो ऑनलाइन भी था। ठीक है समरिया, बट उसने सीन करके छोड़ दिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई ना देने पर है लड़की इतनी ज्यादा रो रही है, तो सोचो भाई ब्रेकअप होगा तो इसका क्या हाल होगा। आप सब कमेंट में जरूर बताना कि इसका क्या हाल होगा। वेरी डेंजरस। आज के लिए इतनी ही इमोशनल वीडियो, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इस लड़की को आप तसल्ली दे सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।